एनकाउंटर कर दिया जाए, उंगली ना उठा पाए। ऐसी नजीर बननी चाहिए कि किसी भी बच्चे पर कोई उंगली ना उठा पाए। बहुत अच्छे थे ये वो टीचर्स हैं जो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। यूपी के बदायूं में हुई दो बच्चों की हत्या के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद इलाके को पुलिस ने छावनी में बदल दिया। इसी बीच इलाके के लोग इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर करने लगे। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। इस मामले पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी साजिद का 3 घंटे के भीतर ही एनकाउंटर कर दिया गया और दूसरे भाई जावेद की तलाश जारी है, लेकिन इस घटना पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले इन दोनों बच्चों के टीचर्स से हमारे संवाददाता ने बात की। बदायूं में जिन दो मासूम बच्चों की बेरहमी से कत्ल कर हत्या कर दी गई है, उनके स्कूल की टीचर्स आए हैं सरस्वती शिशु मंदिर में, जो दोनों ही बच्चे पढ़ते थे। तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में, वहां के ये टीचर्स आए हैं अपने बच्चों की श्रद्धांजलि देने के लिए। सर कैसे बच्चे थे, कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 6th क्लास में है बड़ा बच्चा और 4th में दूसरा जो बच्चा है जो घायल है, और तीसरा बच्चा है वो UKG में है। हाँ, ये लोग बच्चे कैसे पढ़ने में, कैसे पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या क्या जिस तरीके से घटना हुई है, आप लोग क्या लगता है, आप लोग बदायूं के ही रहने वाले हैं यहाँ? बहुत अच्छा परिवार है, इसमें परिवार का किसी प्रकार का मुझे कहीं ऐसा नहीं लगे किसी प्रकार की कोई संलिप्तता हो, लेकिन ये जो जघन्य अपराध हुआ है ये निर्मम और जघन्य अपराध लोग जी। तो इसने एनकाउंटर में ही एक आरोपी को मार गिराया है, लगता है कि न्याय हुआ है? हाँ, न्याय हुआ, लेकिन दूसरा पूरा नहीं हुआ है, अधूरा अधूरा न्याय अधूरा हुआ है। जितने भी दोषी उसके साथ में जितने भी लोग थे वो उन सबका जो है उन सबके यही हाल हो, परिवार ही एनकाउंटर कर दिया जाए, उंगली ना उठा पाए। ऐसी नजीर बननी चाहिए कि किसी भी बच्चे पर कोई उंगली ना उठा पाए। बहुत अच्छे थे ये वो टीचर्स हैं जो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि मासूम बच्चों की हत्या में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने, और इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई शख्स बचना नहीं चाहिए। ये मामला बदायूं के सिविल लाइन्स थाना इलाके की बाबा कॉलोनी का है, जहां साजिद नाम का शख्स अपनी दुकान के सामने वाले विनोद सिंह के घर आया था। इस दौरान उसने विनोद सिंह की पत्नी से 5,000 रुपए मांगे। जब रुपए ले लिए तो उसने कहा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो छत पर चला गया, जहां दोनों बच्चे आयुष और आहान थे, उसने उन पर हमला कर दिया जिसमें दोनों की मौत हो गई। बदायूं से यूपी तक के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।